आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दिवाली का महाउत्सव धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर और औषधियों के देवता धनवंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि धनतेरस के दिन हम पूजा कैसे करते हैं। धनतेरस की बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है, तो चलिए पूजा देख लेते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय पूजन किया जाता है। आप चाहे तो अलग टोकी लगा के पूजन कर सकते हैं या घर के मंदिर में, पूजा घर जहां पर है वहां पर भी लाल रंग का आसन बिछाकर आप पूजा कर सकते हैं। इससे पहले हम चावल का आसन देकर कुबेर भगवान को यहाँ पर विराजमान करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी जी गणेश जी को विराजमान कर देंगे। घर के मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी की फोटो है का हमें पूजन करना है। और देखिए, अगर आपके पास कुबेर भगवान धनवंतरी भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो सुपारी से हम कुबेर भगवान और धनवंतरी भगवान को स्थापित करेंगे सुपारी के रूप में। मैंने दो पान के पत्ते ले लिए हैं। पान के पत्ते ना हो तो चावल की दो ढेरी लगाकर आप उस पर भी भगवान कुबेर और धनवंतरी भगवान को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो पान के पत्ते मैंने रख लिए हैं, उसके ऊपर हम दो सुपारी रखेंगे, एक भगवान कुबेर के रूप में और एक भगवान धनवंतरी के रूप में। हमने स्थापना कर लिया, उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो चौकी आप लगाएंगे ना वो उत्तर दिशा की तरफ हमें लगानी है, यानी हमारा जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है वो लक्ष्मी जी और कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को हमने स्नान करा दिया। उसके बाद हमें कुबेर दीपक जलाना है, पीतल का दीपक हमें लेना है, देसी घी का दीपक हम जलाएंगे, और एक बार जलाने के बाद इस दीपक को हमें हिलाना नहीं है, अगले दिन ही हमें इसे उठाना है। अब स्नान हमने कराई दिया था, उसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमने कुबेर दीपक जो जलाया है ना, इसको हमें हिलाना नहीं है, एक बार हम कुबेर दीपक जला देंगे तो अगले दिन ही जब ये दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद अगले दिन ही उसे उठाना है। फिर हम चंदन से, हल्दी से, रोली से तिलक कर देंगे। कुबेर जी को पीला रंग अति प्रिय है, तो हो सके तो चंदन से आप जरूर तिलक कीजिएगा, चंदन ना हो तो फिर आप हल्दी से तिलक कर सकते हैं। उसके बाद फिर सभी को रोली से तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया है, उसके बाद मैं अक्षत यानी चावल समर्पित कर दूंगी। अब धनतेरस के दिन जो भी आप सोना, चांदी, स्टील, तांबा, पीतल जो भी बर्तन लेके आए हैं या जो भी धन के रूप में आप चीज लेके आए हैं खरीद के, वो हमें भगवान कुबेर को समर्पित करनी है। तो यहाँ सोना, चांदी और जो भी बर्तन आप लाए हैं वो इस तरह से भगवान जी को समर्पित करें और चौकी पर ही रख दें। अब इसका भी हमें साथ में पूजन करना है, तो जो चीजें आप लेके आए हैं उनको भी आप तिलक कर दें, उन पर भी आप अक्षत समर्पित करें। अब हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल हम सभी को समर्पित कर देंगे। और देखिए, धनतेरस के दिन धनिया जरूर जरूर आप खरीद के लेके आए, तो थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना धनिया आप जरूर खरीद के लाएं, और कुबेर भगवान को, सभी देवी देवताओं को धनिया आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम धनिया समर्पित कर देंगे। उसके बाद धनवंतरी भगवान को औषधियां समर्पित की जाती हैं। तो घर में जो भी औषधियां हो, जैसे नीम हो गया, तुलसी भी औषधि है, तो तुलसी के पत्ते आप समर्पित कर सकते हैं, एलोवेरा के पत्ते समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे किचन में लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, हल्दी, सुपारी, जो चीजें ये औषधीय चीजें होती है ना, वो सभी हम धनवंतरी भगवान को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं काली मिर्च समर्पित कर दूंगी, सुपारी, हल्दी, जो भी मेरे पास यहाँ पर औषधीय चीजें हैं वो सभी मैं समर्पित कर दूंगी, क्योंकि धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद का, औषधियों का देवता माना जाता है। तो घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए औषधियां जरूर समर्पित करें। इसके बाद भोग के रूप में हम खील पतासे समर्पित करेंगे, तो सभी को हम भोग के रूप में खील पतासे समर्पित कर देंगे। और देखिए, दिवाली के पंचदिवसीय त्यौहार में जितनी भी पूजा की जाती है सब में भोग के रूप में खील पतासे जरूर समर्पित किए जाते हैं। साथ में ही जो भी मिठाई आप लेके आए वो मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो आप ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित कर देंगे, भोग समर्पित करने के बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे और एक लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फिर हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, जो हमने दीपक जलाया था ना उसको हमें नहीं हिलाना है। आप या तो अलग से दीपक जला लीजिए या तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपूर से आरती करूंगी। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कुबेर भगवान की आरती करनी है। अगर आपको कुबेर जी की आरती ना आती हो तो लक्ष्मी गणेश जी की आरती आप कर सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं ना तो थोड़ी बहुत गलतियां रह जाती हैं, उसके लिए क्षमा याचना जरूर जरूर कर लें। तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, घर में धन के भंडारे भरने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा के दर्शन ना हो तो आप पौधों में भी सींच सकते हैं। और साथ ही आप झाड़ू का पूजन करना चाहें तो झाड़ू का पूजन भी कर सकते हैं। कुछ लोग धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन करते हैं, कुछ लोग दिवाली के दिन पूजन करते हैं। और यम का दीपक इस दिन हमें जरूर जलाना होता है। तो शाम के समय हम, जब अंधेरा हो जाएगा, सब घर के मेंबर घर के अंदर आ जाएंगे, तब हम यम का दीपक बाहर दरवाजे पर जलाएंगे। तो यम का दीपक